पब्लिक के प्यार तो मतलब सोच ही रही 2013 में जब मुझे याद है कि 24 तारीख को मेरी फिल्म रिलीज हो रही थी, 23 तारीख को मैं बहुत नॉर्मल लड़का रहूँ और 24 तारीख को जब सो के उठे हूँ तो स्टार बन चुके। मिठ मिठ लागे माया के बानी हो माया के बानी, तोरो अंतस मा पीरा हो थे करानी धीरे धीरे। मिठ मिठ लागे माया के बानी हो माया के बानी, तोरो अंतस मा पीरा हो थे करानी धीरे धीरे। अपने दिलकश अभिनय से दर्शकों के दिलों में राज करने वाले एक्टर मन कुरैसी आज छत्तीसगढ़ी फिल्मों के चर्चित चेहरा बन चुके हैं। प्रदेश में इनके फैंस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। यही कारण है कि एक के बाद एक फिल्में इनकी हिट होते जा रही है। एक्टर मन कुरैसी का नया दौर हमें देखने को मिल रहा है, तो आज एक्टर मन कुरैसी से खास बातचीत करेंगे। लेकिन इस खास बातचीत में हम इनके बचपन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में, यहाँ तक के पहुँचने के सफ़र के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी होंगी तो आप इनका कोई भी इंटरव्यू देख सकते हैं, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो और साथ में हम इनसे जानेंगे कि आने वाले टाइम में कौन सी ताबड़तोड़ फिल्में फैंस को देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मन कुरैशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और एक चीज़ बहुत सही बोलो कि अगर मोर बचपन और मोर संघर्ष के बारे में जानना है तो बहुत सारा इंटरव्यूज आ चुके हैं, करके मैं आजकल इंटरव्यूज कम देखता हूँ, कम देता हूँ। तो कैसे हैं कुरैशी जी, आप काफी टाइम से आपसे टाइम लेने की सोच रहे हैं लेकिन आप बिजी चल रहे थे, तो फिल्म की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं या फिर न्यू ईयर मंथ चल रहा है तो अपनी फैमिली के साथ टाइम? नहीं नहीं नहीं, वो मतलब मोर बर तो सिर्फ काम ही है जो मोला बिजी कर देते, बाकी फैमिली वगैरह तो जब सब जो 31 को मनाना है सो मना रहे ना, बोखर बात फ्री। और अब का सीज़न चालू हो गया है काम के शूटिंग से, तो अभी जस्ट एक हर पहली में अभी BA फाइनल करत रहे हूँ, अभी एक जीरो बनी हीरो करत हूँ, तो लगातार अभी फिल्म है और सीज़न चला था शूट के, तो वहीं व्यस्त हूँ। तो मन कुरैशी लगातार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हैं, ऐसे में ये सवाल पूछना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि ये सफलता की सीढ़ी सिर्फ छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री तक ही रहेगी या बॉलीवुड में जाके सब नॉर्थ होने वाली है? मैं कभी सोचे ही नहीं हूँ ये मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में कभी सोचे नहीं हूँ कि मुला कहीं बाहर जा रहे, इवन बॉलीवुड बोलता हूँ मुला कोई दूसरा रीजनल में भी जाके काम करे कि ना, मैं कभी सपना में भी नहीं सोचूँ। एक्चुअल में एक हर वर्नी कि मैं नहीं जा सकूँ या नहीं कर सकूँ या उतना पोटेंशियल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं जब से 2012-13 के बाद से आया हूँ और तब से कहीं ना कहीं युवा वर्ग फिल्म से जुड़े है, जो आज जो मॉडर्न लड़का मन जो शहर में घूमते हो, लड़का मन पहले छत्तीसगढ़ी फिल्म, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज ये सब ज़्यादा प्रीफर नहीं करा तरी से। लेकिन जब वाकई में ओमल्ला ओखरे जिसे चेहरा ओमल्ला जब देखेला मिलिस फिल्म में, तो ओखर बाद तब से आप देखो 2013-14 के बाद से यूथ बहुत ज़्यादा जुड़े है और आज शहर में फिल्म बढ़िया चलते हैं। तो यही कारण मैं सोचता हूँ कि मैं अपन लैंग्वेज ला, अपन भाखा, अपन संस्कृति, अपन छत्तीसगढ़ी सिनेमा ला छोड़ करके, जे घर पर इतना मेहनत करके हम यहाँ तक कि ये चीज़ ला लाए हैं, अब ओला छोड़ कर ये कहीं आऊँ जाना और वहाँ जाके स्ट्रगल करना, संघर्ष करना मोर हिसाब से बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि अपन घर के राजा बन के रहो, दूसरा घर के जाके नौकर बने सच्चा है कि अपन घर के राजा बन के रहो, तो बस वही चीज़ ला फॉलो कर दो। और मुला बहुत पसंद छत्तीसगढ़ी फिल्म, ये सिर्फ मोर प्यार या फिर मोर शौक नहीं, ये मोर पैशन है। मुझे लगता है कि मैं जब तक जी हूँ, जब तक रहूँ, तब तक ये छत्तीसगढ़ी सिनेमा से ही जुड़े रहूँ। क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में चुनौतियाँ कम है? नहीं, अब तो बहुत बहुत चुनौती, अब तो आप मतलब आप मानो नहीं, बहुत सारा नया फिल्म, नया चेहरा बहुत सारा आते हैं। हमारे समय में शायद मुझे लगता है कि कंपटीशन तब थोड़ा कम रही से, कंपटीशन रही से, लेकिन अब जब एक्चुअल में प्रॉब्लम ये कि मैं सक्सेस हो गया तो मुझे कंपटीशन उतना याद नहीं है। जब मैं करत रहे मुझे इतना कॉम्पिटिशन, तब तो और बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार रही से, प्रकाश भाई रही से, अनुज भाई रही से, करण भाई रही से, वो समय मोर 2013 में एंट्री करना और अपन आपला प्रूफ करके यहाँ तक क्या ना मुश्किल बहुत रही से, लेकिन अब मैं वो सब चीज़ भूल गया हूँ, कावल कि अब मैं अपन लय में आ गया हूँ, अपन आराम के समय में आ गया हूँ करके मोर पर वो मैं भूल चुका हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब और ज़्यादा कंपटीशन है, अब हर कोई लगता है कि वो कलाकार है, अब दर्शक कम कलाकार ज़्यादा है। आजकल इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, हर कोई अपना प्रूफ करत है, हर कोई हमसे अच्छा एक्ट करके दिखाते सोशल मीडिया पे आते, तो इसे लगता है कि कंपटीशन अभी ज़्यादा है। आज अगर नया लड़का मन नया लड़की मन आते तो मुझे लगता है कि वो मतलब पहले हम मतलब 4 जन से फाइट करना पड़ी इस मुला, तो मुझे लगता है कि अब वो मतलब कम से कम 10 जन से फाइट करना पड़ी। कंपटीशन बहुत बढ़ गया सोशल मीडिया के ऐसे, पर आसान भी हो गई है।
पहली राजनांदगांव के एक लड़का के यहाँ तक कि आके सफल होना पॉसिबल नहीं रही से बहुत लकीली होगी तो होगी। लेकिन अब आप मानो नहीं, मानपुर मोहला या कोई जंगल जगदलपुर कांकेर के भी कोई गांव से कोई लड़का अगर टैलेंटेड है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से डायरेक्टर से बात कर सकते, हमर मन से बात कर सकते, प्रोड्यूसर से बात कर सकते, मतलब ये है कि पॉपुलर हो सकते, ये चीज़ आसान है। तो दोनों बोल सकते नहीं, कुछ आसान है और कुछ कठिन भी है। कठिन अपन आप ला सिनेमा में आके प्रूफ करना बहुत कठिन है, खबर कि लोगन मन बहुत चूजी हो गए है, वो मन ला जो पसंद है वही पसंद रही और जो पसंद नहीं वो कद को अच्छा देखे, कद को अच्छा करे, कुछ भी कर ले, जो पसंद नहीं है वो नहीं है। हमारे यहाँ के पब्लिक के ऐसे जगह प्यार लुटाते थे, इतना लुटाते कि सब कुछ लुटाए थे और जगह ऊपर नहीं लुटाए तो ओला चवन्नी तक नहीं दे। हमारे यहाँ के रूल है, पब्लिक आपके ऊपर तो बहुत प्यार लुटा रही है। मैं बहुत लकी हो, मेहनत है, ऊपर वाले के रहम है, पब्लिक के प्यार है, माता पिता के आशीर्वाद है, हर चीज़ बराबर दिशा में गीस और ओखर कारण मैं यहाँ तक आ पाए हूँ। पब्लिक के प्यार तो मतलब सोच ही नहीं। 2013 में जब मुला याद है कि 24 तारीख को मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही थी, 23 तारीख को मैं बहुत नॉर्मल लड़का रहूँ और 24 तारीख को जब सो के उठे हूँ तो स्टार बन चुके हूँ बीए फर्स्ट ईयर के बाद। तो एक दिन में किस्मत पलटना काला की थे, मैं जानता हूँ वो चीज़ ला। तो खबर पब्लिक के सपोर्ट चाहिए और हर चीज़ में आप ला सही होना पड़े, मतलब आपके कर्म भी अच्छा होना चाहिए, है ना, आपकी नियत भी अच्छा होना चाहिए, आपके काम भी अच्छा होना चाहिए, आपके व्यवहार भी, हर चीज़ अच्छा होना चाहिए। कोई एक चीज़ भी अगर ख़राब हुई तो कहीं ना कहीं आप रुक जाओ। तो मैं देखो, हो सकता है कि मोर बात बोले में लेक्चर लगत हुई, लेकिन सच बताऊँ तो ये मोर इतना साल के अनुभव है, बहुत सारा मन है, बहुत सारा लड़का मन हमारे पास आते, बहुत हैंडसम रही थे, सुंदर रही थे वो मन, लेकिन ओखर मन के वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं रहा है, ककरो व्यवहार अच्छा नहीं, ककरो नेचर अच्छा नहीं, कोई घमंड दिखाते, कोई पैसा दिखाते, कोई आईफोन दिखाते। प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्चुअल में हर चीज़ ला देखते कि एक हर तरीका कैसे है। तो हर चीज़ है जो आपला पब्लिक अगर प्यार पाना है तो हर चीज़ में परफेक्ट अपन आपला बनाना पड़े। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में नया चेहरा बनकर मन कुरैशी लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में कितना मुश्किल होता है आपके लिए एक फिल्म के हिट होने के बाद दूसरी फिल्म में उसी तरह से अभिनय करना और दर्शकों के लिए एंटरटेन करना? बहुत मुश्किल है। जब पहला दिन फिल्म हिट होती तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि अब अगला फिल्म करत हूँ या रोकर शूट चालू होगी, अब कैरेक्टर कैसे चेंज करना है, या अगर थोड़ा भी अगर मिस मतलब मैच होते एक फिल्म दूसरा फिल्म से तो बहुत मुश्किल होते है वोला डायरेक्टर प्रोड्यूसर से वो दोनों अलग करना बात करके। तो वाकई में बहुत मुश्किल हो जाते कि जब एक फिल्म चल जाते, नहीं चले तो भी मुश्किल है और चल जाते तो ज़्यादा मुश्किल है कि अब मोला क्या करना है, जिम्मेदारी बढ़ जाते। तो पर सच बोलो तो पब्लिक नेचुरल चीज़ पसंद करते, नेचुरल एक्ट पसंद करते और मैं अभी तक कि वही ला मेंटेन करा था। देखो जे दिन मोला लगी कि मोला मेथड एक्टिंग करना है या मोला लगी मोला ओवर एक्टिंग करना है, मैं वो दिन वो चीज़ कर सकता हूँ, वो इतना साल के अनुभव हो जाते तो हम सब कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो पब्लिक का जो है वो वाकई में नेचुरल एक्टिंग पसंद है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, अब जो नवा लड़का मन भी आते वो सब नेचुरल एक्टिंग करा थे। तो पब्लिक ला जो पसंद है हमन वो करथन और कोशिश करथन कि बीच में सर्वे करते ही था सोशल मीडिया के माध्यम से कि पब्लिक ला का चाहिए, कैसे गाना चाहिए, कैसे एक्ट चाहिए और ओकर हिसाब से काम करे कोशिश करथन। कभी कभी खरा उतरथन, कभी कभी गाली खाथन, तो चलते हैं कलाकार हम, ताली और गाली दोनों के स्वागत करथन। मन जी को कैसी फिल्में देखना और अभिनय करना पसंद है? मैं इंतज़ार में हूँ कि कोई थ्रिलर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के इंतज़ार में हूँ। मैं अभी तक के बहुत ज़्यादा बहुत रोमांटिक पारिवारिक एक्शन ड्रामा ये सब करे हूँ, पर मैं थ्रिलर हॉरर मूवी के इंतज़ार में ही, कोई ऐसे मूवी करना जिसमें वाकई मैं एक्ट दिखा के मिले और मैं भी अपन ट्रैक से हट के थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ। कोई सब्जेक्टिव मूवी करना चाहता हूँ मैं, कोई अभी आजकल देखो हर क्षेत्र में बहुत सब्जेक्टिव मूवी बना थे, हमारे यहाँ ये चीज़ की शुरुआत नहीं है। मुझे बात के बहुत खेद होते कि हमारे पास जब भी कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर आते स्टोरी पर तो वो हमेशा वही लेके आते जो मैं करत हूँ। एक्चुअल में बहुत जन पब्लिक सोचते कि मैं फिल्म बनाता हूँ, तो मैं आप मतलब बता दूँ कि फिल्म मैं नहीं बनाऊँ। मोर पास अगर 20 स्क्रिप्ट आते तो 20 के 20 वो ना वो लव स्टोरी फैमिली ड्रामा या वही जो आपने देखा, तो वो मोर मजबूरी हो जाती है कि वो 20 में से कोई 4-5 उठा के करना का, बल्कि मैं 20 के 20 अगर इग्नोर करूँगा, अगर डिनाय करूँगा तो मतलब वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे साथ काम करना है। एक तो ओखर मन से मोर ताल्लुकात खराब हो जाए, दूसरी बात वही आदमी जाके बोली कि मन में एटीट्यूड आ गया है, मन में घमंड है, वो ओला मोर स्क्रिप्ट पसंद नहीं आते, मतलब कोई कोयला बोलना कि भैया आपकी कंटेंट अच्छा नहीं, आपकी स्क्रिप्ट खराब है, सोचो कितना बड़े बात है। कोई मुंह पे आके अगर बोल दी कि भाई तो एक्टिंग एकदम बकवास है, घटिया है ना, तो भले ही खराब हुई लेकिन मोला बहुत बुरा लगी उस समय।
जस्ट लाइक वैसे करके हमन ला वो करना पड़ते, हमन कलाकार हन, हमन ला प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबके हिसाब से काम करना पड़ते। पब्लिक ले बात ला समझना पड़े कि कलाकार के मजबूरी होते काबर कि हमारे पास जितना कंटेंट आते वो मैक्सिमम वैसे आते। हम चाहतन कि कोई हमन ला भिखारी बनाए, पागल बनाए, कुछ बनाए, कोई टकला कर दे, कोई मतलब जितना प्रैक्टिकल करना है करो बोलता, हम सबके स्वागत करतन। लेकिन कोई तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो लेकर के आए। बहुत झन लड़का मन हमन ला कहानी वहानी व्हाट्सअप करते कि भैया मोर ये कहानी फलाना के ऊपर है। मैं बोलता हूँ ते कहानी तो भेज दे, ओला बना ही कौन, मैं तो अपन जेब से पैसा लगाऊ नहीं तो ओला बना ही कौन। तो पब्लिक ले भी समझना चाहिए कहानी बोलना बहुत आसान है, एक चंद में ओला आगे तक के चलाना और फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है। पर परिवर्तन ही आज नहीं कल है। जैसे उड़िया में भी देखो अभी तक नॉर्मल फिल्म बनाते रही से, अभी एक दमन फिल्म पहला यूनिक फिल्म बने हैं जेखर बारे में हमन बात कर रहा था, इंडिया बात कर रहे थे। हमारे यहाँ पे भी एक न एक समय में ऐसे समय है जब हमारे कोई ऐसे फिल्म है जेखर बारे में इंडिया बात करी, लेकिन आप मतलब सबर करना पड़ी, वो होते ना कि ज़्यादा उतावलापन भी सही नहीं हो, तो हमन भी हड़बड़ी में कुछ बना देवो फिर आप मन खराब बोलो करके वेट करो। हमन कोशिश करबो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट पे कोई अच्छा बायोग्राफी पे एक अच्छा फिल्म बनाबो, तब शायद आप मन बात करो और पूरे इंडिया बात करी। हमारे दर्शक मन कुरैसी जी का कोई फेवरेट सॉन्ग या फिर कोई डायलॉग सुनना चाहते हैं? अरे देखो डायलॉग्स तो बहुत सारा रही थे एक्चुअल में, डायलॉग्स हमन बोल के इतना साल में 5 फिल्म करता और इतना सारा डायलॉग थे सब भूल जाता। पर जो फिल्म है जो सॉन्ग है वो मुला भी मिट मिट लागे बहुत पसंद है। एक्चुअल में वो ट्यून ही ऐसे ही कि जब वो बसते तो हर कोई थिरकना चालू कर देते, और उखर इतना ज़्यादा व्यू है कि वो प्रूफ है अपन आप में कि वो पब्लिक लिए बहुत पसंद है। तो मुला भी जो मिट मिट लागे माया के बानी हसन पगली के जो गाना है वो मुला बहुत पसंद है। मैं मैक्सिमम जब कभी सुनता हूँ अपन गाना सुनना रही थे तो मैं वही गाना सुनता हूँ। तो हमारे दर्शकों को छोटा सा गाना, अरे मैं इतना जगह गा चुके हूँ आप भी वही गाना गवा था मुला है। अलग देखो जो पसंद है गाना तो वही पड़ी है ना, एक्चुअल में वही गाना पसंद है और वही गाना ज़्यादा अच्छा से आते तो शायद वही सुनल पड़ी आप मतलब भी और दर्शक मतलब भी। मिठ मिठ लागे माया के बानी हो, माया के बानी तोरो अंतस मा पीरा हो थे करानी, धीरे धीरे दूरी हारे थस तीरे माजा रे तीरे माजा, मोरो अंतस मा पीरा हो थे गराजा, धीरे धीरे। जबी फिलहाल इतने सुनो, कभी मैं स्टेज प्रोग्राम करूँ वहाँ सुनना मोर पूरा गाना। आपके आने से पहले और आपके आने के बाद छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में आपको क्या बदलाव नज़र आता है, और आने वाले टाइम में आप क्या कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं है अभी उसको आप लाना चाहेंगे आने वाले टाइम में? देखो ये चीज़ का जवाब तो मैं नहीं दे सकूँ कि मोर पहली कार है इसे कवर की, मैं खुद इतना बैकग्राउंड मतलब ऐसे क्षेत्र से हूँ मैं इतना कि मैं मुला कुछ खबर ही नहीं रही इस रायपुर के या इंडस्ट्री के कुछ नहीं। मैं तो बस काम करते क्यों करते कि और मोर जो आगे आते कि इसमें वो घर बारे में जानता हूँ, लेकिन मोर पीछे कार है मैं नहीं बोल सकूँ। कबर की सच बोलो तो देखो घर भले ही कच्चा बनते पहली, बिल्डिंग तो बाद में बनते ना, तो अगर हमार जो सीनियर मन हमार जो भी बुजुर्ग मन या जो भी हमार पुराना कलाकार मन जो भी आज स्टेज बनाए हैं हमन ओखरे ऊपर नाचा था, तो ये नहीं बोल सको कि मोर पहली कुछ नहीं हुए। काबर की पहली बहुत कुछ हुए तभी मैं यहाँ तक क्या हूँ, और मोर जो आगे जो लड़का मन है वो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ या मोर हमार जो समकक्ष कलाकार मन जो कर रही ओखर ऊपर वो स्टेज पर मन डांस करी, तो ये बोलना सही नहीं कि मोर पहली कुछ बहुत कुछ हो रही से एक जो अब जो चिंगारी रही से वो अब आग बन गई ये बोल सकता हूँ। तो मैं जब से आया हूँ तब से मोला लगता है कि शायद रोमांटिक फिल्म पहले नहीं बनत रही से, प्रॉपर रोमांटिक फिल्म नहीं आते, हमेशा फैमिली ड्रामा वगैरह ज़्यादा आते से या कहीं ना कहीं सिर्फ एक प्लॉट रही से रोमांटिक फिल्म, तो वो एक वो आए अब वो भी मैं बहुत ज़्यादा कर चुके हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं वही करूँ या वही अच्छा, ये बिल्कुल नहीं बोलूँ मैं, पर हाँ ओखर बाद एक वो चीज़ आया है। दूसरा यूथ के जो झुकाव है मतलब होते ना 20-22 साल के लड़का मन के जो झुकाव है, लड़की मन के झुकाव है घर से फिल्म देखे पर लड़की मन के निकलना जो वो है वो मतलब वो बिल्कुल वो पॉसिबल हो पाए। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव बहुत ज़रूरी है कि यूथ सिनेमा से जुड़े, और अगर यूथ सिनेमा से जुड़ी तो ही हमारे लैंग्वेज हमारे भाषा के प्रचार प्रसार हुई। मुझे लगता है कि छोटे से मोरो योगदान है ये चीज़ में कि हाँ कल चल के जब मैं वापस जब वो चीज़ ला देखूँ तो ऐसे लगे कि हाँ भाई मोरो योगदान है छत्तीसगढ़ी सिनेमा और छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार प्रसार में। हाँ मन कुरैशी जी, हम जानना चाहेंगे कि फिल्म की शूटिंग के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी हम भी जहाँ पहुँचे हैं आपकी शूटिंग ही चल रही है एक फिल्म की, तो मैंने देखा कि काफ़ी बार टेक ये वो मतलब कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
वो सब तो बेसिक चीजें जो कट रिटेक ये तो हमारे रहता माने है। काम के हिस्सा है, वो एक अलग चीज है। बहुत सारा कठिनाई जब होते ये होते कि बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ते हैं यहाँ से वहाँ, और सच बोलूँ तो मोर से ज्यादा मोर टीम ला कठिनाई है कि मोला तो बहुत सारा सुख सुविधा मिल भी जाते इन उमन लोहा के, इतना हैवी हैवी सामान यहाँ से उठा के वहाँ ले जाना, हमारे मन पास स्टूडियोज नहीं है, हमारे मन पास कोई ऐसे क्षेत्र नहीं जहाँ हम जाके एकदम प्रॉपर जो हमला चाहिए वो सेट बना के शूट करन, तो करके हमन गाँव के घर में सब शूट करते हैं तो कहीं ना कहीं परमिशन नहीं मिले, कहीं काम करा देते हैं कोई घर वाले मामला मना कर देते, तो ये सब बेसिक चीज होते। पर हाँ फिर भी प्यार बहुत मिलते गांव में। देखो अभी हमन जो घर में पिछले 7 दिन से शूट करा था वो घर में, वो घर वाले एक शब्द नहीं बोली समझ ला, हमन उनका घर ला पूरा छरीदरी कर दे अतिथि कर दे हमन, लेकिन वो आदमी हमारे एक शब्द नहीं बोली, खबर के बोले छत्तीसगढ़ी फिल्म से भी प्यार है, तो इतना सपोर्ट मिलते हैं हमारा। और जो परेशानी होते तो सच बोलूँ तो वो हमारे मन के काम के हिस्सा है, वो लोग परेशानी नहीं बोलन, वो कहीं ना कहीं वो लोग मन प्रसाद समझ के ही ग्रहण करते हैं। हाँ आप सुविधा बढ़ गई है, अब आपने देखा तो कि अभी आप वैनिटी वैन में बैठे हो, तो वैसे पहले नहीं होती से कि हमारे मन के जो लेडीज कलाकार है जो उमल्ला चेंज करना या वॉशरूम वगैरह यूज करें बहुत दिक्कत होती से, तो पहली बार जो अभी जो जो फिल्म बना था जीरो बनी हीरो और भारती वर्मा जी एक फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, तो वो सोचिस कि नहीं, वो खुद भी लेडीज है तो ये चीज़ समझिस कि वाकई में लेडीज मतलब बहुत तकलीफ होती है, और एक नया शुरुआत होगी पहली बार छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में वैनिटी वैन लेकर के आया, जबकि वैनिटी वैन बहुत कॉस्टली नहीं है, लेकिन अभी तक के कोई लात नहीं रही से कोई ना कोई मतलब नहीं रही से कि लेडीज कलाकार दुविधा होते का होते प्रॉब्लम होते या आर्टिस्ट मतलब पब्लिक मन परेशान करते या होते ना कभी कोई पीपा के कोई हमार फैन आ जाते, तो वो सब चीज अभी तक कोई सोचा नहीं, पहली बार भारती जी इसी सोचे और अप्रिशिएट करते हुए चीज में कि कम से कम हम सब लाइक सुविधा तो मिलेगी काम होने के बाद 10 मिनट हमारे पढ़े बार या बैठे बार एक जगह मिल गई जी। मनकुरेशी जी हाल ही में आपकी फर्स्ट हिंदी फिल्म रक्षणम का फर्स्ट लुक सामने आया था जिसमें आप पुलिस वाले के किरदार में नजर आए हैं, तो उस फिल्म के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, वो फिल्म कब आने वाली है और किस तरह की, इसमें कौन एक्ट्रेस आपके साथ काम कर रही है, ये सारी चीजें। वो फिल्म एकदम ड्रीम कम ट्रू है मोरबर कवर की, पूरा साउथ इंडियन यूनिट के साथ में काम कर रहे हैं वो फिल्म तेलुगु और हिंदी दोनों में है, तो तेलुगु जब रिलीज हुई मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी में वो फिल्म अभी मेरे ख्याल से 2-4 महीने में रिलीज हो जाएगी, और बात चला थे सेंसर में गए हुए वो फिल्म। आप जब वो फिल्म देखो तो आप लगे कि वाकई में आप ये कलाकार कहीं ना कहीं आप मन के प्यार आप मन के दुलार से एक स्टेप ऊपर जाके काम करके वापस आए, तो बहुत बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी फिल्म है और हाई लेवल की फिल्म है, जिसे आप मन साउथ के एक्शन देखते हो या साउथ के स्टंट देखते हो या यू नो कार जलना कार उड़ना ये सब देखते हो, तो वो सब कुछ आप माना छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के कलाकार आप मान लो फिल्म में करते हुए दिखी, तो वो बहुत कमाल की फिल्म है और वो फिल्म जल्दी रिलीज हुई। वो फिल्म में मेरे साथ लवली अहमद है जो पहली भी मेरे साथ मैरू गंगा में कर चुके हैं और बहुत बहुत कमाल एक्ट्रेस है। फिल्म में जो डायरेक्टर है वो देसु विवेक है और विजया फिल्म प्रोडक्शन वो फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है, और मैक्सिमम टीम जो रही है 90% टीम जो रही है वो साउथ से आ रही है, तो वो फिल्म जल्दी रिलीज होने वाला है और पब्लिक वो टीजर ला बहुत पसंद कर रहे हैं, वो टीजर नहीं जस्ट लाइक एक फर्स्ट ग्लिम्स रही है वो मोर बर्थडे के दिन रिलीज हो रही है, तो जो भी देखे उसका क्वालिटी ला वो हर वो आदमी तारीफ करे, इवन डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह भी जब वो फिल्म देखे तो बहुत तारीफ करे, उम्मीद है कि वो फिल्म 3-4 महीना में आ जाएगी और आप मतलब बिल्कुल बहुत पसंद आने वाला है वो। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने हिंदी फिल्म में काम किया है, तो आपको क्या लगा हिंदी फिल्म में करना आसान है या छत्तीसगढ़ी आसान है, मोर लैंग्वेज और हर चीज़ छत्तीसगढ़ी आसान है, मैं कहीं ना कहीं हिंदी करते समय कभी कभी छत्तीसगढ़ी में भी डायलॉग बोल देते रहे, पर वो मोर फ्लुएंट लैंग्वेज है तो मैं वही में ज़्यादा पसंद करता हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा डेफिनेटली, लेकिन अभी हमन ला अपन रीजनल लैंग्वेज ला बढ़ा के बहुत बहुत ज़रूरत है। आप उठा के देख लो छत्तीसगढ़ ला छोड़ करके ऑल टू ऑल इंडिया में ओखर लैंग्वेज बोले जाते, हमार हीरोइन अगर उड़ीसा से आया तो वो अपन आदमी मतलब उड़िया से ही बात करते, बहुत जन तेलंगाना से आया तो तेलंगाना ही बात करते, सिर्फ हम ही मन हन जो अपन आदमी से भी या अपन दूसरा आदमी से भी हिंदी में बात करें कि इंग्लिश में बात करें कि अदर लैंग्वेज में बात करें कोशिश करता हूँ, यही चीज़ बदलना है। जैसे ये बात के बहुत खेद है लेकिन हर जगह मैं चीज़ बोलता हूँ, शायद बदलाव आते शायद नहीं आते मोला नहीं पता, लेकिन मोला लगता है कि ये चीज़ ले अप्रिशिएट करना चाहिए, ओखर से बहुत सारा चीज़ है, अगर ये चीज़ हमें आज नहीं कर पाए तो आज से 20 साल के बाद हमारे यहाँ के त्यौहार बार जो भी हमारे यहाँ के ये सब रीति रिवाज है सब खत्म हो जाए, हम सब भूल जाए, हमारे लइका मन बड़े होने के बाद ये सब चीज़ नहीं जानी, छत्तीसगढ़ी बोले में जितका हमन ल जाथन ओखर से ज़्यादा उमन ल जाही, तो मोर ख्याल से ल जाही का नंदाही जाही, ओखर ले अच्छा है कि अभी सहेज लो और जो अभी हमन इतना इतना फोर्सफुली बोला था वो चीज़ लब मानो, कुछ नहीं तो कम से कम दिन भर में 20% 30% आपके जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे कन्वर्ट करते छत्तीसगढ़ी करते करते अब
जितना 100% आप छत्तीसगढ़ी में यूज़ करो। हाँ, जहाँ पर अपना कलेक्टर से बात करना है, एसपी डीएसपी, जहाँ पर आपके लैंग्वेज नहीं चले वहाँ पर तो हिंदी है, लेकिन अपन क्षेत्र में अगर आप मन बात करा तो कोई किराना दुकान वाले साथ, कोई रिक्शा ठेला सब्जी वाले मन के साथ, जे घर भी साथ आपसी घर में, तो जरूर छत्तीसगढ़ी में ही बात करो। मिठ मिठ लागे माया के बानी हो, माया के बानी तोरो अंतस मा पीरा हो थे करानी धीरे धीरे। मिठ मिठ लागे माया के बानी हो, माया के बानी तोरो अंतस मा पीरा हो थे करानी। क्या आपको आज भी लड़कियों के प्रपोजल आते हैं? कभी डायरेक्टर ने आपके पैसे काटे? जानबूझ के आपने रोमांटिक सीन को रेट की? मन कुरैशी से ये खास बातचीत लगातार जारी रहेगी। देखिए नेक्स्ट एपिसोड में रैपिड फायर राउंड की पूरी दिलचस्प बातें, और जानिए क्या खुलासा करा मन कुरैशी ने अपनी नई फिल्मों को लेकर।